फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रीवा शहर के होटलों में मिठाई दुकानों में गुणवत्ता विहीन सामग्री बेचने की मिली शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने सिरमौर चौराहे के पास की छापेमार कार्रवाई। मिली अमानक स्तर की खाद्य सामग्री के लिए लिए गए सैंपल। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने टीम के साथ दी दबिश। 2 साल पहले फेसबुक से हुआ परिचय, 8 माह पूर्व दिया था शादी का प्रस्ताव। पुलिस अमृतसर से लापता युवती को लेकर पहुंची रीवा। बयान दर्ज करने के बाद परिजनों को सौंपा। कोतवाली थाना क्षेत्र की युवती प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने का कर रही थी प्रयास। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिले में 3 विकास खंडों में 961 मतदान केंद्रों में होगा मतदान। 5,79,364 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। विकासखंड रीवा रायपुर करछुलियान तथा गंगेव जिला पंचायत सदस्य के 12 वार्डों और जनपद पंचायत के 75 वार्ड 384 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए होगा मतदान। मतदान के लिए रहेगा सार्वजनिक अवकाश। और रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पर्ची काटने में घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। हृदय रोगियों के लिए लंबा इंतजार हो सकता है। प्राण घातक पर्ची काउंटर बढ़ाने की मांग। वरिष्ठ नागरिकों को भी लगानी पड़ती है लाइनें। डबल चैम्बर पेसमेकर लगाकर मरीज को दी नई जिंदगी। अचानक दिल की धड़कन रुकने से मृत्यु का भी था खतरा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग विभाग में जटिल ऑपरेशन सफल। प्रयागराज अंबेडकर एक्सप्रेस का दभौरा स्टेशन पर अरसे बाद स्टॉपेज। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सांसद प्रतिनिधि ने किया रवाना। और अपहरण के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशोरी का अपहरण करने वाले दबिश देकर रंजीत साकेत उर्फ लल्लू तथा अखिलेश साकेत को किया गया गिरफ्तार। मऊगंज से सीतापुर मार्ग में धूल और कीचड़ से जूझ रहे रहवासी। ट्रक फंसने से 6 घंटे लगा रहा जाम। भारी वाहनों ने उड़ा दी है सड़क की धज्जियां। और रणजी के मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की जीत पर रीवा एसोसिएशन ने जताया जश्न। क्रिकेटर ईश्वर पांडे सहित वरिष्ठ खिलाड़ी और कोच रहे मौजूद। एनसीसी ग्राउंड बना शराबियों का अड्डा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 3 युवतियों के साथ चल रही थी शराब पार्टी। कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया मोहल्ले में हुआ विवाद। अखिलेश पीड़िया के साथ असलम खान सुजीत विश्वकर्मा ने की मारपीट। मामला पहुंचा थाने। पुलिस जांच में जुटी। और घर के बाहर खड़ी बुलेरो चुरा ले गए बदमाश। कोतवाली थाना क्षेत्र के जोरी निवासी प्रेमलाल वर्मा की बुलेरो हुई चोरी। पुलिस तलाश में जुटी। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पानी टोला निवासी प्रमिला श्रीवास्तव के घर हुई चोरी की वारदात। और पानी में डूबने से मासूम की हुई मौत। घर में छाया मातम। चोराटा थाना क्षेत्र के देवरा निवासी इंद्रमणि कुशवाहा का 3 वर्षीय मासूम लकुल कुशवाहा की डूबने से हुई मौत। घर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने घर गृहस्थी का सामान किया पार। टीवी आरओ गैस सिलेंडर उठा ले गए बदमाश। समान थाना क्षेत्र के पोखरी टोला निवासी सिद्धार्थ अग्निहोत्री के घर का ताला तोड़कर की गई चोरी। कुएं में गिरने से 81 वर्षीय वृद्ध कमलाबाई की हुई मौत। सिरमौर थाना क्षेत्र के पड़ेरी गाँव में हुई घटना। पुलिस मर्ग कायम कर जाँच में जुटी। और चुनावी रंजिश के चलते हो रही मारपीट की घटनाएं। मनगांव थाना क्षेत्र के काटी निवासी जयगोपाल गुप्ता के साथ दीपक पटेल मोनू जायसवाल अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर की मारपीट। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। शाहपुर थाना क्षेत्र में महिला को नशीली गोली खिलाकर दुष्कर्म। डॉक्टर ने दिया वारदात को अंजाम। विरोध करने पर की तोड़फोड़ मारपीट। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। आरोपी डॉक्टर जोजो उर्फ भानु प्रताप सिंह की तलाश में पुलिस जुटी। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।